ये जो आज हर्शल गिब्स की ट्वीट थी आपकी नजर से गुजरी होगी, बल्कि इस पे आपने रिस्पॉन्ड भी किया है। ये तो हर्शल ने बोल दिया आकर और इस तरह से ये चीज आश्कार हो गई, लेकिन बैकड्रॉप में किस तरह से भारत इन्फ्लुएंस करता है क्रिकेट में अपने हक में या अपने खिलाफ इस तरह की लॉबिंग को? देखिए, ये तो वाजे हो गया था जबकि बीसीसीआई ने रिजाइन कर दिया था, जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था टू प्ले क्रिकेट विद अस, साइन करके कॉन्ट्रैक्ट, फिर कहने लगे हम नहीं खेलेंगे। फिर जब हमने कहा कि क्यों नहीं खेलेंगे, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, तो कहने लगे कि हमें गवर्नमेंट ने कहा कि आप नहीं खेल सकते। तो मतलब इस किस्म की सूरत हाल है। उसका मेन रीजन एक ही है हमारी, वो ये है कि इंडिया इज सो पावरफुल इन दी आईसीसी के सारे इंडियन रेवेन्यूज जो आते हैं आईसीसी के, उसमें इंडिया की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ट्वाइस एज मच एज एनीबडी एल्स। एक और बात कही थी आपने सेठी साहब, मैं आपकी ट्वीट देख रही थी, आपने कहा कि पीएसएल डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में हो सकती है, इसका क्या मतलब है? पीएसएल से ये किस तरह से आप समझते हैं कि कोई ना कोई उसको खतरा या उसको एट सम पॉइंट वो अफेक्ट हो सकती है इस तरह से? इंडिया पहले दिन से इज रिफ्यूजिंग टू प्ले पाकिस्तान। इंडिया ने हमारी एशियन क्रिकेट में भी उन्होंने कोई गेम्स पाकिस्तान में नहीं होने दी, वीटो पावर्स इस्तेमाल करते रहे। इंडिया इज वॉज डेडली अगेंस्ट कि ये जो पीएसएल होने जा रहा है दिस इज गोइंग टू शोकेस पाकिस्तान। तो इसलिए इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट गेटिंग द फॉरेन प्लेयर्स, बिकॉज ये इम्प्लाइड थ्रेट थी कि अगर आप पाकिस्तान की पीएसएल में खेलेंगे तो देन वी विल स्टॉप यू फ्रॉम प्लेइंग इन द आईपीएल। फर्क यह है जी कि जहां फॉरेन टॉप फॉरेन प्लेयर को हम पीएसएल पीसीबी कोई $200,000 $2,50,000 देता है टू प्ले इन द सीरीज, 10-15-12 मैचेस होते हैं जो खेलने होते हैं प्लेयर को। इंडिया के जो रेट्स हैं फॉर फॉरेन प्लेयर्स गो अप टू $1.5 million टू $2 million। ऑब्वियसली अगर इनफॉर्मली भी इंडिया अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो आप आईपीएल में नहीं खेल सकते, सो द टॉप प्लेयर्स विल मेक सम एक्सक्यूज एंड नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो अब अगर ये कश्मीर लीग के ऊपर इंडिया ने इंडिकेशंस यही दी हैं कि वो बीसीसीआई ने यही इंडिकेशंस दी हैं कि वो अनऑफिशियली सब प्लेयर्स को बाहर बता देंगे कि जी अगर आपने कश्मीर लीग में खेला तो आप फिर इंडियन आईपीएल में नहीं खेल सकते फॉर वट एवर वन रीजन ऑन। तो अब बात यह है कि अगर आपका झगड़ा हो जाता है विद इंडिया ऑन केपीएल, आप अदालतों में घूमते हैं या इस किस्म की कुछ चीजें हो जाती हैं या तल्लुकात खराब हो जाते हैं, तो कल को इंडिया कैन वेरी इजिली अप्लाई द सेम यार्ड स्टिक। बीसीसीआई जो है वो फिर फॉरेन प्लेयर्स को कह सकती है कि अगर आप पीएसएल में नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो आप आईपीएल में नहीं खेल सकते। तो इन दैट सेंस तो किया क्या जाना चाहिए सेठी साहब? नमस्कार दोस्तों, 2 साल पहले भारत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था और अब पाकिस्तान 6 अगस्त से कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए कश्मीर के हिस्से में टी20 लीग करवा रहा है। हर्शल गिब्स ओवरसीज वॉरियर टीम का हिस्सा है। मुजफ्फराबाद टाइगर्स, बाग स्टेलियन, रावलकोट हॉक्स, कोटली लायंस और मीरपुर रॉयल जैसी अन्य टीमों के लिए पीसीबी ने कई खिलाड़ी को शामिल किया है। हर्शल गिब्स ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि बीसीसीआई ने उन्हें कश्मीर लीग का हिस्सा बनने पर आगे भारत में किसी भी तरह की क्रिकेट गतिविधियों पर शामिल नहीं करने की धमकी दी है। मैच फिक्सिंग मामले में सीबीआई की जांच का सामना कर चुके गिब्स को आड़े हाथों लेते हुए बीसीसीआई ने पीसीबी की जमकर बैंड बजाई है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि पीसीबी बीसीसीआई से जलता है। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में ना खिलाने का निर्णय लिया हुआ है। बीसीसीआई की इस धमकी के बाद कई इंटरनेशनल प्लेयर्स ने केपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है।